पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। वार करना चाहता है मुझ पे, कर वार। करना वार, करना वार। लेने मेरे प्राण, लेने मेरे प्राण। मेरी बची हुई संतानों का भी अंत कर दे, लेने सबके प्राण। जीवन समाप्त कर देना सबका, किसी को भी और तुम रथ बिल्कुल मत छोड़ना। भैया, धूमल भैया, ये सब क्या हो गया इन सबको, ये ऐसी अवस्था में? वाह, माँ और पुत्र नाट्य कला में कितने पारंगत हो। अब तू यही कहेगा ना कि तुझे कुछ नहीं पता। हाँ महारानी, मेरे पुत्र तेरे साथ केवल भ्रमण करने गए थे। उनके शरीर पर इतने घाव कैसे लगे, वो जल कैसे गए, वो तुझसे बिछुड़ कैसे गए? तुझे तो पता ही नहीं ना, है ना? मेरा विश्वास कीजिए महारानी, मेरे पुत्र विषैले अवश्य है, किंतु उनके भीतर भी इतना विष नहीं है जितना तेरे मन में है। मेरे पुत्र अपने शत्रु को ललकारते हैं, फिर उन पर आक्रमण करते हैं, किंतु तुमने धोखे से मेरे पुत्रों पर आक्रमण किया। मेरे नार जब आगे के लिए जाते हैं तो अपने शत्रु को भागने का और बचने का एक अवसर देते हैं, तूने अंतरिक्ष पर ले जाकर उन पर वार किया जब तुझ पर निर्भर थे। अपनी शक्तियां होते हुए भी आज वो कितना असहाय अनुभव कर रहे होंगे। महारानी, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास तो उन्होंने भी तुझ पर किया था, जो मेरी बिना आज्ञा के वो तेरे साथ चले गए। आपको बिना बताए? परंतु महारानी, आपने तो स्वयं मुझे आदेश दिया था मैं इन सभी को अपने साथ ले जाऊं। असत्य बोल रहा है ये। माँ तुझे बार बार पुकारती रही, पृथ्वी पर लौटने का आदेश भी दिया, किंतु तूने सुनकर भी अनसुना कर दिया। नहीं, ये सत्य नहीं है महारानी, मैंने स्वयं आपका स्वर सुना था। आप जब दास आकाश में उड़ सकता हो तो भूमि पे भ्रमण करने की क्या आवश्यकता? हाँ तक तो भैया, ये तो बिल्कुल तक्षक भैया का स्वर है। ज्यादा चाटुकारिता मत कर। वहां धूमल भैया, ये तो बिल्कुल कालिया भैया जैसा स्वर है। तख्त और धूमल भैया, गरुड़ तू गया नहीं अभी तक? महारानी, आपके पुत्र मेरे साथ जाना चाहते थे। वो जो चाहते हैं वैसा ही कर। ये सब तू क्या कह रहा है? कद्रु दीदी कभी नहीं चाहती थी कि नाग अंतरिक्ष में जाए, तो ये कैसे आदेश दे सकती हैं? माँ, तख्तु भैया और धूमल भैया अलग अलग स्वर निकालने में निपुण है। इन सभी को अंतरिक्ष में जाने की बहुत इच्छा थी, मुझसे हट भी कर रहे थे ये। मैंने इनसे कहा भी कि महारानी की आज्ञा के बिना मैं इन्हें साथ में नहीं ले जा सकता, तो हो सकता है जब मैंने इनसे आज्ञा मांगी तो धूमल भैया नहीं इसे नियंत्रण में नहीं रख सकती तो बता दे, मैं इसे लोहे की साकलों में बांधकर अंधकूप में फिकवा दूंगी। तू तो सिर्फ दासी है मेरी, पर तेरा पुत्र जीवन भर के लिए मेरा बंदी होगा। महारानी, इसे क्षमा कर दीजिए महारानी, वो नादान है, बालक है, अपना भला बुरा नहीं समझता।
मैं इसे समझाऊंगी। वाह धूमल भैया, अद्भुत प्रतिभा है आपने। आपकी आवाज बदलने की कला अद्भुत है ना भूत नंदी? हाँ सर कोटा, अत्यंत प्रभावी। मानता हूं इन्होंने तुझे भ्रमित किया, किंतु मां ने तुझे बार बार पुकारा, तू वापस क्यों नहीं लौटा? मैंने भी तो इतनी बार पुकारा तुझे, लौट कर धरती पर क्यों नहीं आया तू? इस सूत्र के कारण मन से, वचन से और कर्म से मेरी विमाता महारानी कद्रु और उनके 1,000 पुत्रों की दास स्वीकार करता हूं। महारानी के साथ साथ मैं नागों का भी दास हूं, उनके आदेशों की अवहेलना नहीं कर पाया मैं, और चाह कर भी आपके पास लौट कर नहीं आ सका। देखो इसे कैसे सारा दृष्टिकोण बदल रहा है, जानबूझकर ऐसी कथा सुना रहा है जिससे सारा दोष मुझ पर मेरे पुत्रों पर आ जाए। जब मेरे पुत्र तड़प रहे थे, पृथ्वी पर नीचे गिर रहे थे, तब तो कहा था नाग तेरी पीठ पर बैठ कर गए थे ना गरु, तो जब ये नीचे गिर रहे थे तुझे पता क्यों नहीं चला? हाँ ये पहली मेरे लिए भी कुछ ऐसी है मन जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। इस यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो मेरे वश में नहीं थी। जब शनि ग्रह से हम बाहर निकल रहे थे तब तक तो भैया और उमर भैया और अन्य सभी ने शनि देव के बारे में बहुत सारे दुर्वचन कहे। ना रंग है ना रूप है, कितना कुरूप है। मैं तो ये सोच रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को इतनी रूपवती पत्नी मिल कैसे गई। हो सकता है शनिदेव ने वो सब सुन लिया हो और क्रोध में आकर अपनी वक्र दृष्टि। ये कैसे हो सकता है, उन्होंने स्वयं हमें दर्शन दिए थे और वो हमारी पूजा से प्रसन्न भी बहुत थे। प्रसन्न थे दीदी, पर उसके बाद आपके पुत्रों ने उनका अपमान किया और आपने उनके प्रसाद का। महारानी आपका प्रसाद। प्रसाद रख और जा यहां से। जी तब तो यह अवश्य ही शनि देव के वक्र दृष्टि का प्रभाव है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।